आ गया आ गया। ओके, राइट राइट। वेलकम बैक। फाइनली मतलब 10 मिनट का क्लास आपका हो चुका है ये सारा। ओके एनीवेज, अच्छा दिखाई दे रहा है तब से दिखाई कितना। चलो पहले तो ये बता दो, ऑलरेडी 10 मिनट ना आपके चले गए हैं। आई वॉज ऑडिबल टू। ओके, जिसका साउंड में एक बार प्लीज करके ना आप लोग अपने लेवल पे रिफ्रेश कर लीजिए, इसको रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज। ये पिछली वाली क्लास जब तक अच्छे से वाइंड अप करके नई वाली स्टार्ट नहीं करते ना तो कुछ ऐसी दिक्कत होती है। एक्चुअली कंप्यूटर जो है ना वो जवाब दे जाता है। चलिए पहले ये बताइए, एक बार जिसका साउंड मिसमैच हो रहा है, जिसको फोटो नहीं दिखाई दे रही है, वो प्लीज करके अपना पेज रिफ्रेश कर लो। और पीरियोडिक टेबल में सब कुछ समझ आ गया है, ये समझ आ गया आप लोगों को? पीरियोडिक टेबल सारा कुछ क्लियर है? देखो अब मैं रिफ्रेश नहीं करूंगी क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगा, वापस से क्लास क्लास चल जाएगी फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं रिफ्रेश नहीं करूंगी। ठीक है, अभी सब ठीक है ना? ओके राइट। पहले तो ये बता दो कि पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत है? वही ना, अभी कुछ दोबारा शुरू किया तो बहुत गंदा वाला दिक्कत हो गया। ये देखो एक भाई साहब, इनको कितना भी कुछ बोलो ना भैया, इनके समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। भैया दिमाग ठिकाने रख लो अपना। तो इतना भाई तो ना मैं अपने भाई को भी नहीं बोलती जितना मैं तुम्हें भाई बोल चुकी हूँ। बेशरम लोगों की कमी थोड़ी है, जो बकवासे करनी है करो। चलिए ठीक है, या पीरियोडिक टेबल करके ना अपन डिफाइन करते हैं। इसमें कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस में आपके ऑलरेडी 100 क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके यहाँ पे पूरा करा चुकी हूँ। एक बार से ना मैं उसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एक बार से 100 क्वेश्चन जो है ना वो आपके अपलोड हो जाएंगे। तो एक बार वहां से चीजें देख लीजिएगा, जहां पे नहीं समझ आएगा बता दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे पीरियोडिक टेबल के ना कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको डिफाइन किया जाए कि किंग ऑफ मेटल किसको बोला जाता है, एक बार बताओ किंग ऑफ मेटल किसके लिए डिफाइन करते हैं? किंग ऑफ मेटल कौन से कार्बन, अभी हो गया ना गड़बड़, कैल्शियम, कॉपर। कॉपर को किंग ऑफ मेटल बोला जाता है, गोल्ड को किंग ऑफ मेटल नहीं बोलते, आयरन को भी नहीं बोलते। मैंने किंग ऑफ मेटल, या पहली बात तो मैंने मेटल बोला है, तो जो लोग नॉन मेटल बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं? या मैं किंग ऑफ मेटल की जगह ना किंग ऑफ एलिमेंट करके पूछूं? ठीक है, किंग ऑफ एक्वारीजिया कहाँ पे पहुंच गए हो आप? एक्वारीजिया इज टोटली अ कंपाउंड, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रही हूँ, किंग ऑफ मेटल्स। अच्छा किंग ऑफ एलिमेंट्स करके अगर अपन बोले तो किंग ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, कोई यहाँ पे आंसर कार्बन दे रहा है ना, किंग ऑफ एलिमेंट करके जब भी कोई डिफाइन किया जाता है ना तब अपन एलिमेंट्स में कार्बन को इसलिए क्योंकि वो सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, और मेटल में गोल्ड को इसलिए क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से दोनों को इंडिविजुअली डिफाइन किया जाता है। इसी तरीके के ना कुछ आपके पीरियोडिक टेबल के फैक्ट्स होते हैं, जैसे आपको उसके लिए पता है कि ऑक्सीजन का नाम पहले किसने दिया, लेकिन हम प्रीस्टली और शील में कंफ्यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस कौन से साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी बताना एक बार? नाइट्रोजन जो एलिमेंट है हमारे पास, एलिमेंट जो नाइट्रोजन है वो किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड करके अपना डिफाइन किया जाता है, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन को डिस्कवर किया था। तो इसी तरीके के ना कुछ आपके फैक्ट्स हैं, तो वो वाली जो पीरियोडिक टेबल की क्लास होगी, जैसे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट और ये सारे चीजों को लेके, कि किसी भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या ये जो वाली आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं,
अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होता है? हाँ, श्रीकांत को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पूरा क्लास ही निकल गया, कभी पॉइंट समझ ही नहीं आया। तो जरा ना, ये अगली जो आपकी पीडीएफ होगी इसकी, पीरियोडिक टेबल की, वो आपकी पुरानी बाकी सारी पीडीएफ से अलग है। पहली बात तो ये, उसमें आपके पास 13 अलग अलग पीरियोडिक टेबल होंगी, जिन 13 अलग अलग पीरियोडिक टेबल में आपको अलग अलग चीजों के साथ चीजें मेंशन किया था। तो वो पीपीटी एक्चुअली मैं ही बना रही हूँ, तो इट इज थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग रहा है पीपीटी बनाने के लिए, तो वो आपकी कल हो जाएगी। ठीक है, कल होगी आपकी वो क्लास, कल। हाँ, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। आज की क्लास में ना अपन मेटल और नॉन मेटल ये स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो है तो पीरियोडिक टेबल का पार्टी। तो अगर मेटल नॉन मेटल हो जाएगा आज की क्लास में ना, तभी भी आपको चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, टेस्ट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं ना? अरे, वो पीडीएफ करके आपका पीरियोडिक टेबल का, जिसे कहते हैं ना, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ क्या ही पढ़ने की जरूरत है। टेस्ट आपके ऑलरेडी चल तो रहे हैं, और कितना टेस्ट करना है? पीरियोडिक टेबल से बोला मैंने, पीरियोडिक टेबल वाला जो पॉइंट है, उसके बाद कभी किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ना उस तरीके से, भैया हम आपका टाइम वेस्ट करने आते हैं तो आप थोड़ा सा देर में आ जाए करो, क्या दिक्कत है? आपको पता है जब शुरू के 10 मिनट में वेस्ट ही करते हो आपके, तो आप आया ही 9-10 के बाद किया करो, क्या करें हम? अब ये टेक्निकल इशू है, क्लास शुरू नहीं हो रही। हम आप पूरा तो हम पूरा वीडियो कॉल करके हम दिखा रहे हैं हमारे इसमें क्या दिक्कत है, हम फोटो खींच रहे हैं, भेज रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम क्या करें? चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल के लिए अगर हम डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर मेटल या नॉन मेटल बोला जाता है तो आपकी पीरियोडिक टेबल में से आपको पता होना चाहिए कि मेटल या नॉन मेटल जो है वो क्या रहेगा। ठीक है, द पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने मेटल होते हैं, कितने नॉन मेटल होते हैं। तो आपको ये बस इतना याद रखना है कि आपके पास 78% जो है ना, वो यहाँ पे अपने जो है ना वो मेटल करके डिफाइन किए जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास ये फिक्स है कि हमारे पास 91 तो मेटल है ही है। ये जितने भी आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल हैं। इंस्टेड अगर आप अननॉक्टियम को देखते हो, जो कि 118वां एलिमेंट आपका डिफाइन किया जाता है, ये भी आपका मेटल की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, 78% एलिमेंट्स, या फिर इसको रफली अगर बोला जाता है तो 91 मेटल्स करके डिफाइन करते हैं। हाँ, ये ब्लू वाले जो हैं, इसमें आपके ये जो ऑरेंज कलर से हैं, ये आपके मेटलॉइड करके डिफाइन करते हैं। ठीक है, मेटलॉइड। और येलो वाले जितने भी सेगमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में मैक्सिमम जो है वो गैसेस होती हैं, जैसे अगर हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे आपकी क्या बोले जाते हैं, ये हमारे पास होते हैं गैसेस। क्या होते हैं यहाँ पे, गैसेस करके डिफाइन करते हैं। इसीलिए नॉन मेटल्स में मैक्सिमम जो है ना वो सॉलिड तो बहुत ही कम होते हैं। सॉलिड स्टेट में आयोडीन पाया जाता है, बाकी जैसे आप क्लोरीन बोलो, आप फ्लोरीन बोलो, ऑक्सीजन बोलो, नाइट्रोजन बोलो, कार्बन बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, UUS आपका अनंत सेप्टियम है, वो 117 है, और वो भी आपका मेटल ही है। ठीक है, तो उस तरीके से अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, उसमें आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर को आपको दो तरीके से लर्न करना है, कैसे? एक तो आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। फिजिकल मतलब वो दिखाई कैसे देती है, या कोई भी मेटल की अगर आपने बात किया तो मेटल कैसे दिखाई देता है, मेटल कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या है यहाँ पे, देखो गूगल बाबा पे मत जाओ, वो 94 आपको क्यों बता रहे हैं मुझे नहीं पता, थोड़ा सा तरीके से, क्योंकि देखो इतनी चीजें तो फिक्स है कि हमारे पास मेटलॉइड 7 है, ये चीज फिक्स है, मेटलॉइड 7 है। नॉन मेटल्स की जो संख्या है, वो अगर आप गैसेस को और सॉलिड को और उसमें भी जो लिक्विड है, जैसे ब्रोमीन लिक्विड है, उसको आप मिला देते हो, तो भी ये मोटा मोटी आपके 20 के आसपास ही बैठते हैं। हाइड्रोजन कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो कभी कभार इंक्लूड कर लेते हैं, कभी कभार नहीं कंक्लूड करते हैं। बोरॉन जो है वो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड दोनों की तरह बिहेव करता है, तो कभी कभार मेटल में कुछ जो बुक्स हैं वो बी भी, मतलब ये बोरॉन जो है ना वो इंक्लूडेड कर लेते हैं।
अब बात रही हमारे एग्जाम की, तो हमारे एग्जाम में हमको एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, बोरॉन यहाँ पे मेटल और मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, तो इनको अपने पाले में मिला लो, इनको मेटल में मिला लो, तो वो फिर 94 कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना, हाँ गिन के बताइए। अच्छा गिन के बताइए, है क्या मतलब फरमाइशें देखिए आप। 118 एलिमेंट में गिन के ही बता रही हूँ, एक 91 प्लस में 7, 98 हो गया, 20, 118 में से 98 सबको माइनस करना आता है तो 20 हो गया। गिन के बताओ मैं इनको, है फरमाइशें तो इतनी बड़ी हैं कि जैसे क्या ही करे, भगवान भी उतर के आ जाए ना तो ये पूरी नहीं कर पाए फरमाइशें। मेटल्स की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, एक मेलिएबिलिटी और एक डक्टिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी क्या होता है, आघात वर्धनीयता, है ना, डक्टिलिटी क्या होता है, तन्यता। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेटल या नॉन मेटल की बात की जाए। अगर आपका मेलिएबिलिटी होता है तो आघात वर्धनीयता मतलब जो चोट खा के भी अपने आप को कन्वर्टेबल फॉर्म में रहता है, तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे आपके मेटल्स है, मेटल्स को आप पतली शीट्स में बदल सकते हो, चादर में उसको बदल सकते हो, एल्यूमिनियम, इसका मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया था, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, इनको आप एल्यूमिनियम फॉइल आता है कितना पतला सा होता है, तो वो मेटल है ना, आप इसी चीज को मेटल नॉन मेटल को कर सकते हो, आप कार्बन की शीट बना सकते हो, ग्रेफाइट की बना सकते हो, किसी चीज की, मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गुरुद्वारों पे हमारे किस चीज की परत चढ़ाई जाती है, या तो गोल्ड की चढ़ाई चढ़ाई जाती है या सिल्वर की चढ़ाई जाती है, और गोल्ड की क्यों, देखो गोल्ड इतना महंगा है लेकिन फिर भी गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है, क्यों, क्योंकि गोल्ड को आप सबसे थिन शीट्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अपन ने बोला यहाँ पे कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या इस्तेमाल किया था, रदरफोर्ड ने ना गोल्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है, सिल्वर इस्तेमाल कर सकते थे नहीं, लेकिन सिल्वर से ज्यादा पतली चादरें गोल्ड की बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हमारा जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का फॉइल बनता है राइट, एल्यूमिनियम का फॉइल जो है ना, वो उससे भी पतली चादरें गोल्ड की बनाई जा सकती हैं। तो ये तो होता है हमारा क्या, आघात वर्धनीयता। अब तन्यता क्या होता है, हाँ पैकिंग ऑफ फूड के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं हम एल्यूमिनियम को। तन्यता या डक्टिलिटी क्या होती है, जहां पे हमने किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को किस चीज में बदल दिया, तारों में बदल दिया, पतले तारों में बदल दिया, वायर में बदल दिया, है ना। अब वायर में आप सिर्फ सॉलिड को, जिसको आपने तारों में बदल सकते हो, वही तो इस्तेमाल होगा। क्या आप कभी भी ऐसे कर सकते हो कि आपने कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, सल्फर को, आयोडीन को तारों में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। तो दो पॉइंट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कभी भी एल्युमिनियम फॉइल में गरम खाना नहीं रखिए। नहीं, कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑफिस या इधर की जल्दी में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम गरम खाना जो है ना वो फटाफट एल्युमिनियम फॉइल में रख लेते हैं, नहीं करना है। खाना एकदम भाप निकलता हुआ है उसको एल्युमिनियम में रख लिया, गड़बड़ हो जाती है, पूरी गड़बड़ हो जाती है, वो रिएक्ट वैसे तो नहीं करता है, लेकिन अगर एल्युमिनियम की शीट कोई अपने बॉडी में चला गया या एल्युमिनियम अपनी बॉडी में चला गया तो वो थोड़ा सा ना फिर यहाँ पे ना दिक्कत करने लगेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर दो पॉइंट समझ आ गए। तीसरा चीज, अब आपको जब प्रॉपर्टीज पूछते हैं तो उसमें देखा होता है कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, ये वाला पॉइंट। हाँ जैसे विनोद, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है कि जैसे आपने खाने में कुछ ऐसी चीज रखी गरम गरम, और नींबू या ऐसी चीजें रख दिया, तो वो फिर कुछ हद तक रिएक्ट कर जाएगा, सिरका है, नींबू है, तो वो एसिडिक चीजें रिएक्ट कर जाती हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा देर तक रखी हुई है, गर्म चीजें हैं तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम को गर्म फॉइल, गरम खाने को एल्यूमिनियम की शीट्स में नहीं रखते राइट। उसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे धातु हैं वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, आप उसमें से हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो, आप कॉपर इस्तेमाल करते हो, आप एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हो, इन चीजों को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसको पास करा सकते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टिविटी कॉपर और एल्यूमिनियम के द्वारा दी जाती है। गोल्ड की भी बन सकती है, लेकिन गोल्ड का जो जो नॉन रिएक्टिव स्टेज पे होता है तो वो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिलीज करता नहीं है, तो इसलिए गोल्ड और एल्यूमिनियम और सिल्वर, ये तीन याद रखे, सबसे ज्यादा सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है ना, लेकिन यहाँ पे गोल्ड थर्ड नंबर पे नहीं आता है। गोल्ड, गोल्ड देखो
पहली बात तो गोल्ड को हम इस पूरी सीरीज में इंक्लूड करते नहीं है, क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप इतना इजीली नहीं निकाल पाओगे, एटलीस्ट उसको चार्जेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम इसके हिसाब से हम बोलते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा ना उस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये चीज याद रहेगा यहाँ पे, उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा। दूसरा, जो प्रॉपर्टीज मैं आपको मेटल के लिए बता रही हूँ वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के लिए बिल्कुल नेगेटिव में होंगी, जैसे कि अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होंगे, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। देखो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, कॉपर से अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हमारी ना सिल्वर कर सकता है, लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करते हैं ना सिल्वर को, क्यों? सिल्व कॉपर की ही तारे इतनी महंगी पड़ती हैं, अगर सिल्वर की तारे होगी ना हमने लगाना शुरू कर दिया तो जो भाई साहब चोरी होगी ना, अगले दिन से लाइट आना बंद हो जाएगी। कॉस्टली तो है ही है, लेकिन चोरी ऐसे होगा कि अपना फिर अगले दिन से बंद ही है लाइट, ये और करवाते रहो, लाइट कम आएगी चोरी ज्यादा होगी वाला कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, तो वो तो अलग चीज हो गया। अच्छा, अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल ज्यादातर हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और बहुत कम ऐसे मेटल हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास प्री स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड का मतलब हुआ जैसे अगर आपको आयरन निकालना है तो आप आयरन को, लोहे को, सीधा लोहा नहीं निकलता है ना, किससे निकलता है? आपने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट, सिडराइट, इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हो। आपको एल्युमिनियम निकालना है तो आप बॉक्साइट को इस्तेमाल करते हो, ये चीजें आप करते हो यहाँ पे क्या? लेकिन आपको मैंने बोला कंबाइंड, तो मैक्सिमम जो होते हैं ना वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज रिएक्ट ही नहीं कर रही होगी, अभिक्रिया कर ही नहीं रही होगी, तो उसको फिर आप कैसे फ्री स्टेट में निकाल लोगे? तब आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब तब आप जो चीज, सॉरी, जब आप कोई भी चीज रिएक्ट कर रही है तब तो वो आपको फ्री स्टेट में ही मिलेगी, यानी कि मुक्त मिलती है। कॉपर, कॉपर फ्री स्टेट में ज्यादा पाया जाता है, कॉपर से ज्यादा सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड, और गोल्ड से ज्यादा प्लेटिनम, और यही चीजें जो है ना वो हमारी पूरे पीरियोडिक टेबल की सबसे महंगी है, ठीक है? मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपको कॉस्टली एलिमेंट्स के बारे में पूछे, एलोट्रॉप्स में नहीं बोल रही हो तो डायमंड अभी हटा दीजिए, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, यही हमारे पास सबसे महंगे आते हैं। मरकरी इतना अलग सा मेटल है, लेकिन उसके अलग सा है ना मेटल, लेकिन उसके बाद भी इतना महंगा तो नहीं आता। थर्मामीटर आपका बहुत महंगा तो नहीं आता जिसमें मरकरी पड़ी होती है, या इरिडियम है, और भी हमारे पास हैं एलिमेंट्स, तो वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ते हैं। अब जो चीज जितनी ज्यादा नॉन रिएक्टिव होगी, ठीक है, जो चीज जितनी ज्यादा नॉन रिएक्टिव होगी, नॉन रिएक्टिव बोला तो जिसको किसी की चीज से फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा नॉन रिएक्टिव उतना ज्यादा महंगा। मैं यहाँ पे ट्रांजिशनल या इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, यूरेनियम जो है ना वो मिलता भी नहीं है। यूरेनियम, अच्छा, गोल्ड इंडिया में निकलता है, लेकिन क्या यूरेनियम इंडिया में निकलता है? यूरेनियम इतना निकलता है क्या इंडिया में? गोल्ड तो हम बना भी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, यूरेनियम वगैरह पे, एक तो यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो खरीदेगा कौन? आप खरीद के लाओगे यूरेनियम अपने घर में? रखोगे यूरेनियम को अपने घर में? नहीं रखोगे। यूरेनियम को जब पिच ब्लेंड से निकाला जाता है ना, उसी टाइम उसमें हाईली रेडियो एक्टिविटी वो सब्सटेंस होता है, तो ये एक तो ये चीज है कि इनको इजिली पाया नहीं जाता है, ठीक है? इतना इजिली आप सोचो कि यहाँ पे इनको आप निकाल लोगे और यूरेनियम आंसर दे, देखो इंडिया में जितना मिलता है ना वो इतना नहीं मिलता कि उसको ना हम फिर वहां से पूरा उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर लेंगे। इंडिया में, मनीष, बिल्कुल, इंडिया में थोरियम ज्यादा मिलता है यूरेनियम से ज्यादा, राइट? तो जरा इनको समझना कि जो चीज हमारे पास फ्री स्टेट में होगी, फ्री स्टेट का मतलब है जो चीज रिएक्ट नहीं कर रही होगी, यानी कि जो दूसरों के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही होती है, जिसको दूसरे के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, वो चीज हमेशा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, और नॉन रिएक्टिव तो है। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और या पे प्लेटिनम, ये चार चीजें इस्तेमाल करते हैं। यदि अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ मैं, यूसेज की बात कर रही हूँ, आप जितना इस्तेमाल कॉमनली गोल्ड का करते हो उतना क्या न्यू यूरेनियम का करते हो? कई चीजें सप्लाई और डिमांड के ऊपर भी महंगी होती है भैया। प्याज महंगा है, नहीं खरीदते ना घर में, उसको रोक देते हैं ना, नहीं लेके आते हैं, 100 रुपए किलो प्याज है, क्यों लेके आओगे उसको जान पूछ के आप?
गोल्ड है, गोल्ड इतना कॉस्टली है, यूज कर रहे हैं ज्वेलरी की फॉर्म में, हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको खरीद के ला रहे हैं। गोल्ड आपको विजुअलाइज होता है ना, घरों में आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है ना, घरों में पता है ना मम्मियों के पास और सबके पास गोल्ड होता है। यूरेनियम का भी खरीद के लाते हो आपके लिए, चलो यूरेनियम खरीद के लाते हैं, यूरेनियम को महंगा करते हैं। तो अपनी जरा अवेलेबिलिटी पे भी तो देखो कि गोल्ड और ये यूरेनियम कितना है यहाँ पे, क्या है। यूरेनियम खरीद के लाओगे कभी तो जरा उस कॉन्टेक्स्ट में बात करो ना आप। तो कॉपर गोल्ड सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम करके यहाँ पे याद रखिए। देखो प्लैटिनम एग्जैक्टली, यूरेनियम देखा भी नहीं होगा कभी, है ना, तो जरा ना उस तरीके से। अब इसी चीज को ये प्रॉपर्टी समझ आ रहे, नेचर में कंबाइंड स्टेट में, प्री फॉर्म में भी और कैसे भी, मुक्त अवस्था में और फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ओर्स के फॉर्म में है, तो मेटल और नॉन मेटल के एक बार आप लोग मुझे ना याद दिला दीजिएगा। ये पता नहीं पॉइंट हम हमेशा, मैं इसको हमेशा निकल ही जाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। जब ये मेटल और नॉन मेटल हो जाएगा कंप्लीट, तो एक बार हम ओर्स और अलॉयज करेंगे, है ना। तो इसके अपने को क्वेश्चंस वगैरह करने हैं और अच्छा करना है यहाँ पे अलॉयज और ओर्स अब की बार। तो जब मेटल और नॉन मेटल खत्म हो तो अगले पॉइंट पे हम बढ़े, उससे पहले ओर्स और अलॉयज। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल के बाद मैं आपको थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल एक बार और रिवाइज कराने वाली हूँ इसके हिसाब से, उसके बाद अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। समझ आ गया सारी चीजें। ओर्स के फॉर्म में आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की अपन ने बात किया, तो मरकरी के अलावा जितने भी मेटल्स या धातु हैं वो सारे के सारे मतलब मरकरी लिक्विड है, बाकी सारे के सारे सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यही चीज अगर मैं नॉन, अच्छा मैं नॉन मेटल यहीं पे बता दे रही हूँ, अलग से नहीं यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे ना इसको। जब यहाँ पे हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में भी आपका एक ही है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि ब्रोमीन 35 उसका नंबर होता है। उसके अलावा 53 नंबर पे जो आयोडीन रखा हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। उसके अलावा मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे गैशियस स्टेजेस में होते हैं। अभी इनमें से कौन सा गैस है कौन सा सॉलिड है, ये आपको पीरियोडिक टेबल वाली जो अगली क्लास होगी, स्पेशल क्लास, वो स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि उससे पहले आपने पीरियोडिक टेबल के वो फैक्ट्स, वो पीरियोडिक टेबल उससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं। मतलब मैं पहली बार ही उस पीडीएफ को इस्तेमाल करके ना आपको पढ़ाने वाली हूँ। एग्जैक्टली, लश्चरस मैं बता रही हूँ, लश्चरस होता है शाइनी, चमकदार चीजें, है ना। तो चमकदार चीजें कौन सी होंगी, मेटल्स जो है वो चमकते हैं, लोहा प्लेटिनम चमकते हैं, थोड़ा बहुत आयरन भी दूर से चमक जाता है, और ये सारा। नॉन मेटल बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं, नॉन मेटल्स डल होते हैं। थोड़ा सा जो है ना वो हमारा चमकता है सल्फर और आयोडीन, फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस नहीं चमकता लेकिन, लेकिन उसका जैसे P4 है, हड्डियों वाला जो होता है ना वो चमकता है, ठीक है। डायमंड, डायमंड नहीं बोलना प्लीज करके, अभी यहाँ पे कभी भी हम बोलते हैं ना तो डायमंड इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि डायमंड एलिमेंट नहीं है। मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, डायमंड एलोट्रॉप है तो वो अलग चीज हो जाता है। इनको आप जो हमारे पास मेटल होते हैं वो सारे के सारे बहुत टाइट होते हैं, सॉलिड है तो ठोस अवस्था में होंगे, तो इसलिए हम उसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम, अच्छा लिथियम भी सॉफ्ट होता है, इतना नहीं होता पनीर की तरह, लेकिन लिथियम भी हमारे पास सॉफ्ट होता है, उसको आप आराम से तोड़ सकते हो, काट सकते हो। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, और सोडियम और पोटेशियम को हम किस चीज में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में। अच्छा, लिथियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शायद मैंने आपको बता दिया है, लिथियम भी मतलब लिथियम भी थोड़ा सा टाइट होता है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता बाकी सारे एलिमेंट्स की तरह। और लिथियम को मिनरल ऑयल्स में रखा जाता है, कशिश, बिल्कुल लिथियम को किस में रखते हैं, हम मिनरल ऑयल में रखते हैं। जबकि अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इन दोनों को डिफरेंस समझिएगा, कभी क्वेश्चन में आपको कैरोसिन लिखा हो तो सोडियम और पोटेशियम पे जाइएगा, लेकिन कभी क्वेश्चन में अगर मिनरल ऑयल लिखा हो और लिथियम ऑप्शन हो तो आपका आंसर ना लिथियम होगा, ठीक है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को कभी भी मिनरल ऑयल में नहीं रखते, मिनरल ऑयल में रखने के साथ ही साथ भी वो आग लगा ही देंगे, क्योंकि लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ा तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, इसीलिए उसको हम मिनरल ऑयल में डाल के छोड़ देते हैं। मिनरल ऑयल क्या होता है, तो मिनरल ऑयल होता है जैसे आपने जैसे हम बोलते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो जैसे आपका डीजल, पेट्रोल, उसके बाद कैरोसिन
केरोसिन, उसके बाद कुछ नॉर्मल गैसेस निकलते हैं, तो उसमें मिनरल ऑयल सबसे बेस पे होता है, जहाँ पे उसमें ना तो कोई स्मेल होती है ना बहुत जल्दी वो आग पकड़ता है. तो इट्स अ सिंपल पार्ट जो क्रूड ऑयल से निकला है. तो मिनरल ऑयल, जैसे मिनरल वाटर हम बोलते हैं, उसी तरह से मिनरल ऑयल जो प्यूरिफाइड फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा उसका कार्बन चेन नहीं होता है, तो उसमें हम लिथियम को स्टोर करके रखते हैं. राइट. अच्छा, गुड कंडक्टर आप समझ आ गया, शाइनी होते हैं समझ आ गया, उनमें आवाज होती है. जैसे हम क्या बोलते हैं इस चीज को, सोनोरस बोला जाता है. जैसे आपकी घंटी बनाई जाती है, जैसे ये जो होते हैं ना, ये मंदिर की घंटी, मंदिर की जो घंटे होते हैं, या फिर जो स्कूल की जो बैल होती थी आपकी, वो किसकी बनती है? सोनरस होते हैं, आवाज उनमें आती है, काफी अच्छी वॉइस जो है ना वो सुनाई जाती है. तो बेल मेटल, एग्जैक्टली, बेल मेटल हुआ, कॉपर हुआ, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है. ब्रास बनाने के लिए, जो ब्रॉन्ज के जो धातु बनाए जाते हैं उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉपर को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा. ओर्स में ये बेल मेटल और ये सारा अपन पढ़ेंगे डिटेल में. नेक्स्ट देखो, मेलियबिलिटी, डक्टिलिटी आपको समझ आ गया, तन्यता और आघात वर्धनीयता, मेटल शो करते हैं नहीं शो. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटीज की बात करते हैं, घनत्व की. आपको ये जितनी भी चीजें मैं बोल रही हूँ, ये मैं उस पीरियोडिक टेबल की पीपीटी से पहले इसलिए करा रही ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए. अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड है, तो वो हम डायरेक्टली वहीं पे करेंगे. तो इन वर्ड्स को समझना ताकि उन पीरियोडिक टेबल में आप अपना 100% दे पाओ. डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी हम क्या हो गया, घनत्व हो गया. अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना. अगर लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी उससे कम, और गैसेस की डेंसिटी जो है वो सबसे कम, है ना. गैसेस है तो उसके मॉलिक्यूल्स खुले खुले हैं, तो डेंसिटी कम होगी. जब हम यहाँ पे सॉलिड की या ठोस चीजों की हम बातें कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. मैंने हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मेटल ज्यादातर सॉलिड होता है, तो मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी. नॉन मेटल्स की डेंसिटी, क्योंकि उसमें गैसेस ज्यादा होती हैं, तो उसकी नॉन मेटल की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? कम होगी. ठीक है, नॉन मेटल्स की कम. अब इसी में एग्जैक्टली यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मेटल्स में भी पर्टिकुलरली किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तब हम क्या बोलते हैं, ऑस्मियम की डेंसिटी क्या होती है सबसे ज्यादा. उसके बाद आपको इरिडियम की जो डेंसिटी है ना वो भी याद रखनी है. ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑस्मियम की और उसके बाद इरिडियम की. कई बार ऑस्मियम इरिडियम, मतलब ऑस्मियम ऑप्शन में ना हो, इरिडियम ऑप्शन में हो, और तो फिर भी आप प्लेटिनम आंसर कर देते हो, तो थोड़ा सा ना उस तरीके से आंसर करिएगा. ठीक है, इरिडियम जो है ना वो यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर. टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर उसकी डेंसिटी अच्छी है, हाई डेंसिटी है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ. ठीक है, हाँ, मैं आपको ये वैल्यूज बताऊंगी. अभी आप वैल्यूज नहीं लर्न करिए, सबसे ज्यादा ये वैल्यूज वगैरह में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ये जो आपके छोटे छोटे कंफ्यूजन है वो उन वैल्यूज से क्लियर हो जाएंगे, है ना. टेंसाइल स्ट्रेंथ. अभी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेटल और नॉन मेटल किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं और किस चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये अपन करेंगे कल की क्लास में. ठीक है, इतना चिल्ला चिल्ला के बिल्कुल जी को आ जाती हैं चीजें. वैसे भी थोड़ा सा आज गड़बड़ी हो गया, तो पहले वाली क्लास अपने, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि अगर वही एजुकेटर दोबारा आ रहा है ना, तो शायद वो क्लासेस का कुछ पंगा है, कुछ गैप देना पड़ता है, और मैंने फटाफट से शुरू कर दिया, तो इसीलिए वो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी. एनीवेज, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इस ये वाला पॉइंट मैं आपका कल कंप्लीट करा दूंगी, तो कल की क्लास में मेटल और नॉन मेटल का जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो करनी है यहाँ पे. और उसके बाद फिर अपनी जो क्लास होगी उसमें मेटल और नॉन मेटल की आपकी लास्ट पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो वो भाई वो क्लियर किए हुए हैं सब, शायद मेरी कंप्यूटर में, लैपटॉप में कुछ दिक्कत है, एक बार देखते हैं आज इस लैपटॉप को ठीक करते हैं ना. बाकी चलिए, कल की क्लास में मिलते हैं. आज के लिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट. टेंसाइल बोला, तो टेंसाइल का मतलब होता है जैसे कोई चीज है आप उसको मोड़ सकते हो कि नहीं मोड़ सकते हो, है ना. जैसे एल्यूमिनियम है, उसको आप मोड़ सकते हो. नॉन मेटल को आप मोड़ पाओगे क्या, जब वो गैसेस हैं या फिर ऐसे पाउडर के फॉर्म में है, तो आप उसको कैसे मोड़ोगे? आयरन को आप मोड़ पाते हो, लोहे को मोड़ पाते हो, है ना. लेकिन वैसे नॉन मेटल्स को आप, हाँ, इलॉन्गेशन के, फ्लेक्सिबल, सबसे अच्छा वर्ड फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना उसमें होती है, तो उसके लिए, है ना. एनटीपीसी कब होगा, ये तो हॉट क्वेश्चन है अभी. एनटीपीसी कब होगा पता ही नहीं कब होगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट मतलब
मार्च के बाद ही होगा, जब भी होगा मार्च के बाद ही होगा, सो डोंट बॉदर अबाउट इट। मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ कि पहले एसएससी का एग्जाम, एसएससी ऑलरेडी स्लॉट ले चुकी है ना, तो एसएससी के बाद ही होगा। अगर मैंने आपको एक चीज बोली थी, अगर होना होता तो 15 तक, 10 तक कोई न्यूज आ गई होती, मतलब एक दो दिन में न्यूज आ गई होती। ऐसा होता तो कुछ अपडेट हो जाता, कोई अपडेट नहीं है। एसएससी जब स्लॉट बुक कर लेती है तो फिर किसी की मजाल ही कोई नहीं कि वो अपना पेपर करा दे, क्योंकि एसएससी करवाएगी पेपर कम से कम 25-30 दिन। दूसरा, एसएससी इतना फॉर्म भरा जाता है ना बच्चों के द्वारा, तो वो फिर स्लॉट बचता ही नहीं है, तो 25-30 दिन तो ऐसा है कि कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके बाद एसएससी ने सीजीएल की भी डेट ले ली है ना, सीजीएल का भी डेट ले लिया है, तो उस तरीके से ये तो नाम से रखो, कोई भूत नाम क्या होता है। और उसके बाद दूसरा चीज ये कि कुछ ही हो जाए, सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या कर दिया, हाँ भाई यही है ग्रुप है, यही यही वाला ग्रुप है, साइंस विद शिप्रा, ठीक है। स्टड मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ तरीके से, फंक्शनल ग्रुप सीरीज में। अब हाँ, फंक्शनल ग्रुप सीरीज में आपको कल कराई हूँ, ये जो आपने फोटो भेजी है मनीष वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप में ये कई जगह पता नहीं मेरी अजीब अजीब सी फोटो लगा दी है, वाईफाई स्टडी के पता नहीं कहाँ कहाँ से काट कूट के, तो प्लीज करके ना उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा। एक्सरे उत्सर्जन का अध्ययन यहाँ पे मोजले ही रहेगा, ठीक है। जो मेरी तरीके की फोटो है वो यही है, ठीक है। तो प्लीज करके जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो ये वाली फोटो के साथ ही ज्वाइन करिएगा। राजकिशोर, आपने 94 प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं लिखा है ना, तो मैंने भी तो 94 प्राकृतिक रूप से ही बताया है। ये कौन सी फोटो भेजी, टेढ़ी करके नहीं भेजा करो यार फोटो, ये सीधी करके बोल भेजा करो। ये ऐसे काई मेरे को बिल्कुल देखना पड़ रहा उसमें। बायोलॉजी यहाँ पे उस हिसाब से करेंगे, बायोलॉजी पहले केमिस्ट्री कर लेते हैं। देखो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जहाँ एक ही है, देखो क्लासेस आपको अभी वाला ये जो शुरू हुआ है ना उससे शुरू करो आप। ये अगर आप ये पीछे का पूरा जाओगे तो ये नहीं आपको हो पाएगा ना कंप्लीट, इसलिए प्लीज करके आप टेलीग्राम ग्रुप जो है, सॉरी क्लासेस जो है वो शुरू से करिए। भैया देखो ये ना बड़े सारे ना डुप्लीकेट बनने हैं, अब वो फोटो उसमें लगा लेते हैं वाईफाई स्टडी वाली की, अब हमें वही फोटो लगानी होगी तो हम टेलीग्राम में क्यों लगाएंगे, हर जगह एक ही फोटो कैसे लगेगा। थोड़ा सा अलग तरीके से ना फोटो लगती है, तो प्लीज करके थोड़ा सा ना ऑन कॉन्ट्ररी ये तो समझा करो कि यहाँ पे भी वो वही फोटो क्यों लगाएंगे। फिजिक्स शुरू करेंगे ना पहले, हम केमिस्ट्री शुरू कर ले फिर बायो करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार चीजें रिवाइज कर लीजिए, कल की क्लास में मैं आती हूँ और फिर ये सारी चीजें कंप्लीट कराती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।